अब इसको देखो, ये एक रेक्टेंगल है सर्कल के अंदर, डायमीटर उसका किसी लाइन के अलॉन्ग दे रखा है, और उसके दो एडजेसेंट वर्टिसेस भी दे रखे हैं। तो एरिया पूछा है रेक्टेंगल का, तो मैं पहले तो सर्कल बनाऊंगा। यहाँ कोई शेप आप ड्रॉ करने का ऑप्शन है क्या? मैंने अभी तक देखा नहीं था। अगर हाँ, यहाँ पे ऑप्शन है शेप ड्रॉ करने का, तो आज पहली बार हम इसका यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये सर्कल नहीं बना, क्या बन गया है? नहीं, सर्कल बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? देखो, वाह, ओके, ठीक है, अच्छा सर्कल बन गया ना। ऐसे दिमाग में आइडिया है कि इसका यूज़ करते हैं। ओके, अब क्या करना है? अगला काम है हमारा, हमने एक रेक्टेंगल बनानी है, तो इसको भी इंसर्ट करेंगे। रेक्टेंगल कहाँ है? ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल भी मैंने इंसर्ट ही कर दी। स्क्वायर ही बन गया, पर चलो आप इसको रेक्टेंगल मान लो कि रेक्टेंगल है ये। अब अगला काम क्या करना है मुझे? अगला काम मुझे बस इसके आगे मैं खुद से करूँगा जो भी है। और जो डायमीटर है वो किसी लाइन के अलोंग है, नहीं इसको भी इंसर्ट करना है। स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन आएगी ना, फिर ऐसे एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। ये हमारा डायमीटर है गिवन, उसका ये डायमीटर है, तो और इसकी इक्वेशन भी दे रखी है। इस सर्कल का डायमीटर है इस लाइन के अलोंग, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन दे रखी है 3y = x + 7, ओके। एंड अगली बात बोली गई है कि इसके रेक्टेंगल के दो एडजेसेंट वर्टिसेस, तो मैंने ये ले लिया एडजेसेंट, कोई भी ले लो आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा खास, -8/5। इस क्वेश्चन को ना मैं मतलब एक बढ़िया से शॉर्टकट तरीके से कराऊंगा, क्योंकि अभी मैं लंबी कैलकुलेशन नहीं कर सकता हूँ। कौन करेगा मतलब लंबी कैलकुलेशन अभी इस टाइम, तो शॉर्टकट ही करेंगे, लगाएंगे थोड़ा लंबा मेथड। आपको मैं ऐसे बता दूंगा, अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो ट्राई, ठीक है। अब अगला काम करना क्या है? हाँ, सेंटर को मैं पहले कंसीडर कर लेता हूँ। सेंटर यहाँ कहीं बीच जैसे में आएगा। एरिया पूछा है, तो एरिया के लिए मुझे साइड्स, रेक्टेंगल का एरिया साइड्स अगर आ गई तो एरिया आ ही जाएगा। तो चलिए, जो जो देखो, पहली बात तो ये दिख रही है कि मैं सेंटर का यूज़ यहाँ पे कर सकता हूँ, डायमीटर तभी दे रखा है। तो कैसे यूज़ होगा? एक्स की वैल्यू यहाँ पर आ जाती है 3y - 7। तो अगर वाई को ना मैं, जो सेंटर का वाई है वो कोई टी ले लूँ, पैरामेट्रिकली डिफाइन कर रहा हूँ, तो एक्स की वैल्यू 3t - 7 होगी सेंटर के लिए। तो ये जो सेंटर है ना, ये कुछ इस टाइप का रहेगा, इस सेंटर की वैल्यू कुछ इस टाइप की रहेगी। एक्स की वैल्यू इसकी होगी 3t - 7, और वाई उस टाइम टी रहेगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, क्योंकि सेंटर है तो सर्कल का भी है ना और रेक्टेंगल का भी है, तो जो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस जो ग्रीन में शो कर रहा हूँ, ये बराबर आएंगे ना, रेडियस के ही बराबर होगा ये। तो डिस्टेंस फॉर्मूला मैं लगा रहा हूँ, और डिस्टेंस फॉर्मूला अगर आप लगाते हैं तो यहां पर फिर लिखा जा सकता है 3t - 7 -8 पूरे का स्क्वायर, x1 - x2 किया, प्लस t - 5 का स्क्वायर, ओके। ये होना चाहिए किसके बराबर? इट इज इक्वल टू, दूसरी साइड डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा आप, 3t - 7 -6² प्लस टी माइ, यहाँ भी 5 है। अच्छा, ये बात तो मैंने ध्यान नहीं दी कि दोनों ही 5 है, ये तो और आसान हो जाएगा क्वेश्चन। इन दोनों के तो वाई स्टूडेंट्स बराबर हैं, ये तो बराबर है इधर भी, तो एक टर्म तो ऐसे ही कैंसिल हो गई, ये वाली टर्म तो कैंसिल हो गई। चलो, इसका वाई ये जो बराबर है इसका भी यूज़ करते हैं थोड़ी देर में, हमारी कैलकुलेशन और कम हो जाएगी। तो ये टर्म जैसे मैं स्क्वेयरिंग करूँगा तो खुद कट जाएगी, और हमारे पास बचेगा, यहाँ पे बच रहा है स्क्वायर ऑफ 3t, ये +1 हो जाएगा इसका स्क्वायर,
और प्लस वन ही होगा ना। प्लस हाँ, और इधर आएगा थ्री टी माइनस कितना बनेगा, थर्टीन। यस, थर्टीन का स्क्वायर सॉल्व करिए, करिए। 9t² प्लस वन प्लस 6t इक्वल टू 9t² प्लस 169 माइनस 13 इंटू थ्री, 39 इंटू टू, तो ये 78t। ये कट गया और मैं 78t को मैं लेफ्ट साइड ले आया तो 84t हो गया, और इधर आ गया 168, तो टी की वैल्यू तो 2 आई। टी की वैल्यू 2 आई तो फिर सेंटर आ गया। टी की वैल्यू निकलने का मतलब है कि सेंटर आ गया, और सेंटर आ गया तो सब कुछ आ गया, ये मान के चलो आप। सेंटर कितना आया फिलहाल, तो टी की वैल्यू 2 आई है ना, तो 3 इंटू 2 माइनस 7, 6 माइनस 7 माइनस 1 कॉमा 2, ये हमारा सेंटर आया है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने मतलब मैं नाम दे रहा हूँ ए बी सी डी, और ये ओ लिख लिया मैंने सेंटर। मुझे ए बी की इक्वेशन निकालनी पड़नी थी इन जनरल, अगर कुछ और पॉइंट्स दे रखे होते, बट क्योंकि ये डायरेक्टली दिख रहा है कि वाई यहाँ पे 5 है, तो ए बी की इक्वेशन तो वाई इक्वल टू 5 ही आ गई डायरेक्टली। तो वाई इक्वल टू 5 से वो माइनस 1.2 का जो डिस्टेंस है वो तो डायरेक्टली 3 आ जाएगा ना, वाई वन माइनस वाई टू करके ये 3 आ जाएगा, क्योंकि इसका आप कुछ ऐसे चलो ना, एक्स वाई एक्सिस अगर मैं शो करूँ, ये y इक्वल टू 5 है और आपको डिस्टेंस चाहिए माइनस 1.2 का, यहाँ जैसे कहीं पॉइंट माइनस 1.2 है तो उसका डिस्टेंस कितना 3 आएगा ना सिंपली, तो वैसे मैंने 3 कर लिया। ठीक है, अगर ये 3 आ गया तो एक साइड तो 6 हो गई, ये 6 हो गई। अब यहाँ से भी आगे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो, उसकी भी ज़रूरत नहीं क्योंकि एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो 6x2 माइनस x1 कर लो, तो ये 14 आ गया, तो एरिया कितना बन गया 14 इंटू 6, एरिया आ गया डायरेक्टली। ये तो मेरी उम्मीद से भी छोटा निकला क्वेश्चन, क्योंकि इसमें वैल्यूज कुछ इस तरह से दे रखी थी, 84 आंसर आ गया। तो देखो ना एग्जामिनर क्या करता है, वो वैल्यूज कई बार इस तरह से देता देता है कि कैलकुलेशन ना करनी पड़े। हाँ, अगर ये वैल्यूज कुछ डिफरेंट होती तो कैलकुलेशन इसमें करनी पड़ सकती थी आपको, और फिर थोड़ी सी इसमें ज़्यादा टाइम लगता। और कैलकुलेशन वैसे किस तरह की रहती है, डायमीटर है यहाँ पे, हाँ पॉइंट्स मतलब, हाँ थोड़ा सा आपको सॉल्व करना पड़ता ज़्यादा। चलिए ठीक है।